आगे बढ़े। आपको बताएं वफाकी वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान से हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के एमडी इमरान अहद की मुलाकात। एचबीएफसी की मुमकिन निजकारी से मुतालिक उमूर का इस मुलाकात में जायजा लिया गया। वजारत निजकारी के मुताबिक एचबीएफसी उन 24 सरकारी इदारों में शामिल है जिनकी निजकारी की उसूली मंजूरी दी जा चुकी। वफाकी वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान खसारे में चलने वाले इदारों को मईशत पर बोझ करार दे चुके हैं। उनका कहना है मुल्की मईशत को खसारे का शिकार इदारों से निजात दिलाना जरूरी है। निजकारी से हासिल होने वाली रकूम अवामी फलाह बहबूद और तरक्याती मनसूबों पर खर्च की जाएगी। आगे बढ़े। आपको बताएं वफाकी वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान से हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के एमडी इमरान अहद की मुलाकात। एचबीएफसी की मुमकिन निजकारी से मुतालिक उमूर का इस मुलाकात में जायजा लिया गया। वजारत निजकारी के मुताबिक एचबीएफसी उन 24 सरकारी इदारों में शामिल है जिनकी निजकारी की उसूली मंजूरी दी जा चुकी। वफाकी वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान खसारे में चलने वाले इदारों को मईशत पर बोझ करार दे चुके हैं। उनका कहना है मुल्की मईशत को खसारे का शिकार इदारों से निजात दिलाना जरूरी है। निजकारी से हासिल होने वाली रकूम अवामी फलाह बहबूद और तरक्याती मनसूबों पर खर्च की जाएगी।